आज पूरे प्रदेश में सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके लिए सभी गुरु घरों को सजाया गया है। इसी खास पर्व पर पंचकुला के श्री नाडा साहिब गुरुद्वारे में भी खूब साजो सजावट की गई है। इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी श्री नाडा साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा के साथ माथा टेका। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की प्रसाद स्कीम के तहत बनी 6 मंजिला मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल और चेस जीएमसी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बहुत ही आज ये प्रसन्नता का विषय है कि गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है, जयंती दिवस है। इस अवसर पर गुरु के अवसर पर हरियाणा में शुभवास के साथ सबसे बड़ा इकट्ठ इस अवसर पर, जैसा आप जानते हैं, कपाल मोचन जो तीर्थ होता है, उस तीर्थ के साथ उनके गुरु परंपरा के सब लोग उसमें जुड़े हैं। लाखों लोग स्नान करने आते हैं। शाम की भी खबर यह है कि 5 लाख लोग वहां स्नान करने आए हैं। तो ऐसे अवसर पर यहाँ गुरुद्वारा नाडा साहब पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं। मुझे भी आज अवसर मिला है गुरुद्वारा नाडा साहब आकर के और गुरुपुर्व के अवसर पर मैं माथा टेक करके हरियाणा की जनता की कुशल क्षेम की कामना करता हूं और इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। ये 7 योजना जो देश भर में चलाई गई है 30 स्थानों पर विकास के नाते से, तो उसी योजना के अंतर्गत यहाँ जो पार्किंग का मल्टीलेवल पार्किंग का शिलान्यास मैंने स्वयं 27 अक्टूबर 2020 को किया था। आज ठीक 27 नवंबर 2023 आज इसका शिलान्यास किया है। इस अवसर पर यहाँ आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, यात्री हैं, सबको एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी, सबको सुविधा होगी। इस अवसर पर भी मैं सबको सर आपने कल एक एजुकेशन देने की स्कीम है, बड़ी घोषणा है हरियाणा में पहली बार। देखिए, जो गरीब परिवार है, हमारी बेटियाँ कॉलेजेस में पढ़ती हैं, जो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स फैकल्टी के जो डिग्री कॉलेज के हैं, उनमें ऐसे गरीब परिवार की 1,80,000 रुपये तक की जो इनकम के परिवार हैं, उनको बेटियों को सरकारी कॉलेजेस में तो उनकी शिक्षा पहले से मिलती है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी उनको जो सामान्य कॉलेज हैं, जो खास करके एलीट भी कॉलेज हैं या जहाँ इस प्रकार की फीस जो चार्ज करते हैं लोग, उसको माफ किया जाएगा। उसमें सरकार जो है उनकी भलाई करेगी। ऐसे प्राइवेट कॉलेज को प्राइवेट कॉलेज को चुनेंगे, बशर्ते कि प्राइवेट कॉलेज आगे आए और उन बच्चियों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। सरकार उसकी फीस की लिए बस फंड करेगी। 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक के जो परिवार हैं उनकी 50% फीस वो लिए बस। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी देश और प्रदेशवासियों के भले की कामना की, साथ ही सभी लोगों को श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। पंचकुला से उमंग चौरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।